हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था और साथ ही साथ ये भी सीख लिया था कि उसको सॉल्व करने के चार मेथड्स, जिसमें से कि एक मेथड ग्राफिकल में मैं रखना चाहूँगा और बाकी जो तीन मेथड्स हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमने कर लिया था। और सेकेंड पार्ट में आज हम लोग कुछ स्पेशल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके कंसिस्टेंसी को स्टडी करेंगे, देन वर्ड प्रॉब्लम्स और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल इक्वेशंस। कुछ स्पेशल इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम आज स्टडी करते हैं। देखिए, तो उसमें सबसे पहला जो टाइप आता है उसमें कहते हैं जब एक्स एंड वाई फ्रैक्शन में हो, एक्स और वाई फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हो तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे x अकेला होगा, ठीक है, तो अकेला x जो है वो डिनोमिनेटर में बैठा रहेगा। वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन से इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हमने 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 3 y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ रूल क्या देखा आपने कि x और y नीचे है ना, अकेला नीचे यहाँ पर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्या करते हैं कि x और y को 1 अपॉन x के टर्म्स में सोचिए और 1 अपॉन x को कुछ मान लेते हैं। जैसे कि इस जगह पर मैं 1 अपॉन x को a मान लूँगा, लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू a, एंड 1 अपॉन y को मैं b मान लूँगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, सोचिए उसको। ये क्या है, इसको अगर थोड़ा सा और आप अलग समझेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है 2 into 1 upon x। 2 upon x क्या लिखा हुआ है, 2 into 1 upon x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 upon x को क्या माना, a, तो ये 2a हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 2 upon 3 y, मतलब क्या हुआ, ये 2 के साथ अपॉन 3 में ऐसा लिखा हुआ है 1 upon y लिखा हुआ है। सोचिए आप, ये लिखा हुआ है 2 upon 3 into 1 upon y, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1 upon y को हमने b मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये 2b/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 upon 6, ठीक है। और देखिए इसको क्या लिख देंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 3 upon x, यानी क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2 upon y क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। अब क्या करना है, वही पुराना नियम, एलिमिनेशन के ही पार्ट्स हैं ये। अब क्या करेंगे बताइए, कोफिशिएंट बराबर करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने के बाद बताइए ये एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, तो ये क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये 6a हो गया। फिर 2b/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, सिर्फ 2b बचेगा, और 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, 3a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a, 2b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, और यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। अपॉन कर दीजिए, साइन बदलना होता है, माइनस कर दिया, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया। 2 minus 2b minus 4b क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, और 1/2 में से 0 गया तो 1/2 रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके b का वैल्यू क्या आ चुका है, ये -1/2 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो क्या बन गया, ये 1/2 पहले से था और -1/2 यहाँ से भी चला गया, क्या बन गया बताइए, ये बन गया b -1/4। अगर b हमारा -1/4 आ चुका है तो अब हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे।
तो किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। मेरे लिए ये सिंपल लग रहा है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन उसका नाम करते हैं इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो सेकेंड इक्वेशन में मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो लिखेंगे पुट बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फोर इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इजी करते हैं, ये रहेगा तो इट विल बी थ्री ए प्लस टू बी, कितना आ जाएगा माइनस वन बाय फोर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए इसमें पुट किया हमने, इस वाले में, ओके नाउ इट विल बी थ्री ए, ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू जीरो, तो थ्री ए क्या हो जाएगा उधर जाके टू अपॉन फोर, तो यहाँ से अब ए क्या हो जाएगा बताइए, टू अपॉन फोर इंटू वन बाई थ्री, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए वन बाई टू, और ये हो जाएगा वन बाई सिक्स, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन बाई सिक्स। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ बी को माइनस वन अपॉन फोर कहा गया, लेकिन बी को हमने क्या माना था पहले, याद कीजिए यहाँ पहुँच के देखिए, बी को हमने वन अपॉन वाई माना हुआ था, यानी कि एक्चुअल में वन अपॉन वाई जो है वो माइनस वन अपॉन फोर है, यानी कि माइनस वाई चार के बराबर है, यानी कि वाई किसके बराबर हो जाएगा, उधर भेज दीजिए माइनस फोर, आपका वाई आ चुका है। ऐसे ही हम ए में यही वैल्यू पुट करके ए को निकालेंगे ऑल्सो, बताइए ए क्या हो जाएगा, ए है वन अपॉन सिक्स, लेकिन ए को हमने क्या माना था वन अपॉन वाई माना था, सॉरी वन अपॉन एक्स माना था, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन सिक्स, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई, तो आपके पास दोनों आंसर हैं एक्स इक्वल टू सिक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर, चेक कर लें एक बार, बिल्कुल सही है एक्स इक्वल्स टू सिक्स और वाई इक्वल टू माइनस फोर। आप इसको जब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये वेरीफाई भी हो जाएगा जो मैंने आपको सिखाया हुआ था क्लास के अंदर, ठीक है, पिछले लेक्चर में, ओके। अब ये पहला टाइप जो देखा आपने जिसमें कि डिनोमिनेटर में एक्स और वाई हुआ, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसके दूसरे टाइप पर चलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे समझिए इसको। इसको किताब में रिडक्शन मेथड कह के बताया गया है कई किताब में, लेकिन आप इसको स्पेशल सीरीज मान के ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इसको क्लासिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो टाइप नंबर टू देख लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाए, ऐसे लिख लो डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई साथ में हो तो क्या करेंगे। तो पहले तो ऐसा एक क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कोई, हमारे गुरु आरडी शर्मा जी के, एक मिनट, हाँ जी मिल गया क्वेश्चन एक, जिसमें कि डिनोमिनेटर में एक्स अप और वाई दोनों साथ में होता है। क्वेश्चन कह रहा है थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप कि डिनोमिनेटर में दोनों आ गया है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी इसको सॉल्व कर तो यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका आंसर कभी नहीं आता फिर। तो यहाँ हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नियम वही है, क्या करेंगे देखिए, इसमें हम इस पूरे क्वांटिटी को कोई और क्वांटिटी मान लेंगे, जैसे कि यहां मैंने 1 अपॉन x प्लस वाई को a मान लिया है और 1 अपॉन x माइनस वाई को मैंने b मान लिया है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 और ये बन जाएगा 9a माइनस 4b इक्वल्स टू 1, सिंपल हो गया। अब यहां क्या करेंगे, इसको कोफिशियंट को बराबर कीजिए, ये 9 और 3 थोड़ा लंबा जाएगा, ये चलो इसी कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, बताइए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 27a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 18 और ये क्या हो जाएगा 27a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 3।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन बदल देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 18 बारह कितना होता है 30b इज इक्वल्स टू 18 में से 3 गया तो 15। यहाँ से बताइए b की वैल्यू क्या आई, b इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 30, दैट गिव्स 1/2। इसको हम कहीं रख लेंगे साइड में, b कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यही b का वैल्यू आप किसी में पुट कर दो तो मुझे ये वाला आसान लग रहा है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 1/2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। बताइए क्या मिलने वाला है, 3a प्लस 2b और b कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। यानी क्या हो जाएगा, ये 3a ये कट के 1 हो गया, इक्वल्स टू 2 हो गया। यहाँ से 3a की वैल्यू 2 माइनस 1 1, तो a क्या हो गया 1/3 हो गया। ये दो बातों को हम लिख लेंगे अलग से कहीं पे कि a हमारा 1/3, b हमारा 1/2। नाउ हमने a को जो माना था अब बारी आ गई है उसको बताने का हमें। तो a चूंकि 1/3 है इसको लिखेंगे, चूंकि a 1/3 आया लेकिन a को हमने क्या माना था, हमने a को 1/x + y माना था और यही क्या हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x + y = 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने b को क्या माना था, सॉरी b की वैल्यू क्या आई है 1/2, आपने b को माना क्या था 1/x - y और कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। तो बताइए x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो दो इक्वेशन और बन के आया उसको आप अलग से कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, x + y = क्या आ गया 3 आ गया और x - y = 2 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो बताओ करना जरूरी है क्या, कर देते हैं इजी है इसको, तो पहले ऐड कर लो सीधे ख़त्म करो मैटर को, तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस, साइन बदलना ही नहीं है, ऐड करना, इसको गैप करना मुझे, तो ये गया, सॉरी ये बचेगा, कौन जाएगा वो जाएगा, कट 2x = 5, तो x क्या आएगा बताइए 5/2 और 5/2 आप किसी में पुट कर लीजिए आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। तो पुट x = 5/2 इन थर्ड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा ये 5/2 + y = 3, सो y = 1/2, खत्म कहानी। तो जब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या ध्यान देंगे कि पहले हम उस कॉम्प्लेक्स से टर्म को a और b के टर्म्स में लिख लें, a और b का वैल्यू जैसे ही फाइंड हो गया उसके बाद आप अपने ओरिजिनल वैल्यू को वापस डाल के सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना लेंगे, फिर तो आप जानते हैं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले मेथड पे। सादगी तो हमारी, मैं गाना गा सकता हूँ ना मैं तो, अब क्या करें जब तक ये रब होगा तो कुछ गाना ही गा लेते हैं। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, क्या कहते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाले टाइप पे। थर्ड टाइप क्या होता है, वो होता है अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स एक्स एंड वाई। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन इस पर पहले ढूंढ लिया जाए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मिल गया, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया,
आप लोगों ने गाना सुना भी नहीं होगा ना, किसी ने सुना हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 131x, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। मुझे बहुत पसंद आएगा ना, मैं बहुत सुनता रहता हूँ, तो आज ऐसे ही गा रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट कॉम्प्लेक्स एक्स एंड वाई है। कभी भी ये मत करना कि इसको 131 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 217 से मल्टीप्लाई कर लिया, गलती फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। तो क्या होगा, रूल बड़ा सिंपल है जी, एक बारिया भी जाया, एक बारी क्या करना है आपको, उसको ऐड करना है, एक बारी आ, बस। तो एक बारी प्लस, एक बारी माइनस, खत्म। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम एडिशन वाले कंसेप्ट की बात करें, जब दोनों को ऐड करोगे ना, 7 और 1 क्या होता है, 8 होता है, 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है, 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। ऐड कर लिया, उधर पहुंचो, सही ऐड किया ना, हाँ, इधर भी ऐड करो, अरे यही होगा रे, बस यहाँ एक्स और यहाँ वाई डाल देंगे, इधर ऐड करके आ जाएगा 0, 2 और 1, 3, 4 और 9, 8, 17, सही है। तो 348x प्लस 348y इज इक्वल्स टू 1740। जिक्र एक बेवफा और सितमगढ़ का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगढ़ नहीं, आपने किस लिए मुँह उधर कर लिया। अरे क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या कर दिया मैंने बीच में, देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई जो है, हमने इसमें से कॉमन ढूंढ के 348 को पकड़ा, कहा उधर जाओ, तुम्हारा जगह नहीं, आप पहुँचे तो ये आ गया, ऐड करने से ही ये तो सरेंडर हो गया, सब्ट्रैक्ट करने से भी सरेंडर ही होगा, लेट अस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट इसका इससे करो तो क्या बचेगा इसमें, 7 में से 1 गया तो 6 बचता है, फिर यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 3 तो जाएगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या यही तो होगा, हाँ यही तो होगा, 86x, और यहाँ जब माइनस करोगे तो माइनस का 86y आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो यार ये तो 86 ही आ जाएगा, अरे तो पता ही नहीं था रे। तो अब इसमें 86 कॉमन लेते हैं, क्या दिखेगा आपको, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86, यानी कि x माइनस वाई क्या आ गया, 1 आ गया, हाँ। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, अरे बताओ कितना सिंपल है ये। तो जब भी कभी आपको ऐसा अल्टरनेट, देखो ना ये अल्टरनेट मिलना चाहिए आपको, तभी ये तरीका अप्लाई करना, अल्टरनेट जैसे ही आपको x y मिला कॉम्प्लेक्स, सीधे यही तरीका, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ठीक है। अब प्लस माइनस ऐड करो, सीधे ख़त्म करो, पहले से ऑप्शन बराबर ऐड कर लिया, ये हो गया 2x equals to 6, तो x हो गया 3 के बराबर, और जैसे ही x 3 हो गया तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस y बराबर 1, तो इधर इधर कर दिया, y की वैल्यू 2 आ गई, बढ़िया सिंपल सॉल्व बन गया हमारा। तो ये हमारा क्या था, थर्ड स्पेशल सीरीज था। अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्पेशल सीरीज पर। तो फोर्थ स्पेशल सीरीज में क्या होता है कि सामने एक्स वाई होता है ना, सामने एक्स वाई होता है। पहले में क्या था, एक्स सिर्फ अकेला था, फिर क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों आ गए, फिर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स तरीके से आ गए जो हमें पसंद ही नहीं था, और फिर क्या हुआ, फाइनली अभी एक्स वाई दोनों साथ में आएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तभी समझ में आएगा। तो टाइप नंबर 4, जब RHS में एक्स वाई भी आ जाए, अब सुनो, एक्स वाई जो है आ जाए,
तो एक्स वाई के बदले में अगर ए बी मिल जाए ना तो बोला मत कि मास्टर ये कहाँ गया, अरे नहीं दोनों बराबर होना चाहिए, एक्स वाई मिल जाए ए बी मिल जाए, मतलब उधर जो है आरएचएस में आपको डिजिट देखने की आदत है ना, अब डिजिट देखने की आदत है और वहाँ कोई आपसे एक्स वाई दिखाना चाहता है तो आप तो उसको रोकोगे ना, तो दिमाग लगाओगे, यही है फोर्थ स्टेप हमारा। अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या होता है, समझाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, तो बिना क्वेश्चन कुछ हो पाया आज तक किसी का, क्वेश्चन लेते हैं फिर क्वेश्चन से ही आपको हम समझा पाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा और इंतजार कीजिए, बस मुझे हमको मिल जाए बस एक क्वेश्चन एक बार, फिर तो आपको हम करा ही देंगे सॉल्व, ठीक है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कह रहा है कि x प्लस वाई जो है ना वो 2xy है, 2xy, और फिर क्या बोल रहा है, जो x माइनस वाई है वो 6xy है, ऐसा कह रहा है। तो खैर ये तो बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट भी ऐड करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाता हूँ जो मैंने अभी हेडिंग लिखा है ऊपर, तो क्या पता यहाँ पे 3x आ जाए, कभी कुछ और आ जाए, इसलिए बता रहे हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरफ क्या दिखे, कोई एक्स वाई या ए बी दिख जाए, मान लो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर टू ए बी होता, वो भी सेम क्वेश्चन बन गया, या कोई भी एक्स वाई क्वेश्चन जिसके कि लास्ट में यहाँ पे, तो लिखेंगे आरएचएस में डिजिट देखने की आदत है, आरएचएस में डिजिट देखने की आदत है। आदत अगर हमको इधर डिजिट देखने की है तो हमको वही चाहिए, उधर डिजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, उधर डिजिट देखने के लिए हम इसको एक्स वाई से सबको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एक्स वाई, यही नियम है इसका, हम एक इजी क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं लेकिन आप इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई से डिवाइड करने से इसको, पहले चलो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं, सादगी तो हमारी, देख रहे हैं सबको हम एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, ये तो ऊपर वाले का हो गया, अब नीचे वाले का देखो इसका, तो इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी, ये जो वाई है ना वाई 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 वाई, वाई को भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, और सिक्स एक्स वाई को भी एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा ये एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, पूरा मतलब जो है सब कट गया, अब बचा क्या वन अपॉन वाई, और यहाँ क्या बचा वन अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बचा टू, यहाँ क्या दिखेगा देखो 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 देखो, ये बचेगा वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ क्या दिखेगा सिक्स। हम कह रहे हैं आपको मन करेगा इसको ऐड करने का, लेकिन जो कंसेप्ट हम सिखाना चाह रहे हैं उस पर आइए। अब ये क्या मिल गया, क्या ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, सबसे पहला टाइप यही था ना, जब y नीचे आ जाए तो इसके आगे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन y को हम a मान लेते हैं और 1 अपॉन x को हम b मान लेते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में 2 अपॉन y आ जाए तो आप उसको 2a मान लेंगे, वो तो पहले कर चुके हैं ना, तो एक क्वेश्चन जब कहते हैं कि हम रास्ता जब खो जाते हैं ना, तो हमको अगर कोई सामने घर पे भी मोहल्ले में आके भी छोड़ दे कम से कम, तो कहते हैं भैया आप घर चले जाएंगे, तो वही है कि मोहल्ले में ला के छोड़ दिए आपको, घर तो आप चले ही जाओगे इसके बाद, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम घर में बिठा के आते हैं, चलो बैठ के घर में बैठ ही जाओ मतलब, ठीक है। तो देखो ऐसा मान लिया, तो ऐसा करते ही क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया a प्लस बी बराबर दो हो गया, अरे ये कैसे हो गया, वन अपॉन वाई जो है a माइनस बी छः हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो, गया टू ए बराबर आठ हो गया, तो ए हो गया चार के बराबर, अच्छा अच्छा अगर ए चार हो गया, अब इसी को किसी और में इस्तेमाल कर लो, इसी में कर लो, तो ए कितना चार, तो ए को कर लो चार प्लस बी बराबर टू, तो बी क्या हो गया माइनस टू, ए है चार और बी है माइनस टू, लेकिन आपको पता है कि हम तो ए बी अपने मन से माने थे ना, ये तो एक्स वाई था, तो ए को हम क्या माने थे बताइए, वन अपॉन वाई को ए माने थे, है ना, तो यानी कि वन अपॉन वाई हमारा किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, यानी कि फोर के बराबर, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा वन बाई फोर, ये हमारा पहला आंसर। फिर बी क्या था माइनस टू, बी को हम क्या माने थे वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से बताइए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ऐसे हो जाएगा। तो यही चार स्पेशल सीरीज होता है जो आपको आना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। अब हम अगले पार्ट में कंसिस्टेंसी को डिस्कस करेंगे
और फिर ऐसे अलग अलग पार्ट्स में हम आपको अलग अलग चीज़ सिखाते जाएंगे। इन सभी पार्ट्स पर जितने भी आपने सीखा है अभी, जो ये मैं जो चार जो स्टेप मैंने बताए हैं आपको, जिसमें एक बार एक्स नीचे था, अगली बार एक्स के साथ दो चीज़ और आ गया, फिर उसमें ऑल्टरनेट वाला कॉम्प्लेक्स आ गया था, और एक ये हो गया एक्स वाई वाला, तो एक्स वाई क्या करते हैं लास्ट में इसको हम एक्स वाई से काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको वापस से पहला वाला स्टेप मिल जाता है। ठीक है, तो इन सभी पे कम से कम पांच पांच क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, तब जाके आपको ये स्टेप, ये पूरा मेथड समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।